नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र में अनंगपुर गांव के तहत बने टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। इसकी सूचना सूरजकुंड थाना पुलिस को दी गई है। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे आसमान में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मशक्कत करती रहीं और अब मिली सूचना के मुताबिक आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। सुखद बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है। इस आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और आग कैसी लगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मौके पर दलबल के साथ पहुंचे सूरजपुर थाना क्षेत्र के SHO ने बताया कि उन्हें कैंट के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना देकर मौके पर लोगों को हटाया और आसपास बंधे हुए पशुओं को भी हटाने का काम किया। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। SHO साहब, आग लग रही है बड़ी भयंकर, पूरा शहर काला हो गया है, पूरा आसमान काला हो गया है। कहाँ की ये घटना है और कब आग लगी है? ये अनंगपुर गांव के साथ में आनंद वन के पीछे की घटना है और ये 10:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक वहाँ गोदाम है, टेंट हाउस का, जिसके अंदर सामान है, उसमें आग लगी हुई है। तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और ERV भी आई है और हमने यहाँ आकर के जो लोग थे उनको एक साइड में किया है, जो पशुएं बंध रहे थे साथ में उनको भी हटाया है और भी जो सामान था उनको निकलवाया है और सामान में आग लग गई है, लेकिन जान का कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं। क्या माना जाए, आग कब तक बुझ जाएगी? SHO साहब, देखो, दमकल जो गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की सभी गाड़ियां लगी हुई हैं, 5-6 गाड़ियां लगी हुई हैं और जल्दी ही आग आग को काबू पा लिया जाएगा। अभी और नहीं, जान का कोई जोखिम नहीं है। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।